कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 8 बजे से। बाकी आज है मेरा फेयरवेल, तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद नहाने के लिए, फिर होंगी फेयरवेल के लिए तैयार। और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे चल रहे थे पेपर। अब मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, बाकी कुछ दिनों बाद रिजल्ट आएगा। अभी पापा जाएंगे ऑफिस थोड़ी देर बाद, तो पापा हो रहे हैं तैयार और मेरा भाई गया है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। हवा के झोंके आज मौसमों से लूट गए, गुलाब की शोखियां जो भरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की शान, इसी कहानी क्यों ना मैं भी दे कहानी मेरा। सवार हूँ सवार हूँ सवार हूँ सवार हूँ। हवा के झोंके आज मौसमों से टूट गए, गुलों की शोखियां जो भर गए आके टूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की शान जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं सवार लूं। उड़ी उड़ी जा दिल की पतंग देखो, उड़ी उड़ी जा कहने को तो खेल है तेरा मेरा सांझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी पतंग जुड़ी जुड़ी जा, उड़ी उड़ी जा उड़ी उड़ी जा दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जा। I request the students of 7th and 8th class to come on the stage for the exit journey of the school. जब टीचर क्लासरूम में एंटर करते हैं, कितने बंदे छोटे गुड मॉर्निंग सर, एग्जाम के एक हफ्ते पहले एग्जाम के एक दिन पहले
पूरे शुरू को कजे से सर की बचाए ना सीटी दम रट्टा ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा रट्टा मार चल जाए जो भूखा कॉफी से तू किस किस के लिए जंगल देखा यार
झपकना झुली का भीतरों की सुख मचरा लटकना खर्चे करा 4000 चुनरी तेरी आए आए चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अंग्रेजी पाड़ी दी किटपिट तू कटी दी मैं तू ऐन सादी बिग डोरिया तू कटी बिग बैन दी पूरा लंदन तुम रुकदा गंदों ने को बैन दी पूरा लंदन तुम रुकदा हो जना जना की खोज बताए रास चल के क्योंकि बच्चों का यही उम्र है पढ़ने की समझने की। टीचर को ध्यान से सुनो और ध्यान से अपना लाइफ बनाओ कैरियर बनाओ। अब 8th क्लास है 7th क्लास है बड़ी क्लास है तुम अपना एम बना सकते हो लाइफ का लक्ष्य ढूंढ सकते हो कि हमें क्या बनना है। हमें लाइफ में अपना लक्ष्य ढूंढना चाहिए हमने क्या बनना है क्या करने आए हैं हमें भगवान ने किस लिए भेजा है कुछ ना कुछ बनने के लिए। तुम तारे हो जमीन के चमकते हो ऊपर एक तारे चमकते हैं नीचे आप चमकते हो। सारी खुश हो गया।
Farewell, if I say farewell is a thing where you feel happy also and a little tinge of that pinch of salt also. Why we all are happy? Because we know you all have been groomed in such a way that you are all ready for your future endeavors. That's why we are happy for you. That's why it's an occasion to be happy. आप सब खुश हो, किस लिए खुश हो? क्योंकि आपको पता है how you have been groomed. हमें किस तरीके से groom किया, हम किस तरीके से we are ready to face the challenges of the future. And while a little sad, why a little sad? Because now it's not that we won't be meeting again. You are always welcome. Anytime doors of the soul are open for you. Anytime you all can come during office hours. Anytime you can come to meet us. But we won't be meeting daily. Daily नहीं मिला करेंगे. जैसे अभी तक daily मिलते थे ना. So we won't be meeting daily now. So that's why it's both things. Hello. शांत तो अभी हम सब खा रहे हैं यहाँ पे. क्या खा रहे हैं नेहा? डोनट और कोल्ड ड्रिंक. हाँ फैन. हाँ वो सिगी है. तो ये एक डोनट केक है जिगी नाम का. ये पेटीज है, साथ में सॉस का पैकेट है, ये कोल्ड ड्रिंक है और मुझे ये मिला बैच. साथ में एक कार्ड मिला है. ये है मेरी फ्रेंड श्वेता. श्वेता कैसे लग रहा है फेयरवेल है आज और आज के बाद नहीं मिलेंगे? हैप्पी भी लग रहा है, सैड भी लग रहा है. हैप्पी क्यों लग रहा है, सैड क्यों लग रहा है? तो मुझसे दूर मेरे से दूर जा रहे हैं. और हैप्पी क्यों लग रहा है? और
खाना है, तुम तो खा रही हो। बोलिए मुझे नहीं खाना। तो अब हम जा रहे हैं घर को वापस और हमें बैचेस मिला था। हेलो हेलो हेलो।